नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा में। दोस्तों, आज के इस पैकेज में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं तो आप फास्फोरस से भरपूर खाना खाकर कौन कौन सा खाना खाकर अपनी हड्डियों को और भी ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। फास्फोरस हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। जी हाँ, फास्फोरस शरीर के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मिनरल है। फास्फोरस और आयरन कैल्शियम के साथ मिलकर आपकी हड्डियों की सेहत को मजबूती देने का काम करते हैं। इसलिए आपको आर्थराइटिस और कमजोर हड्डियों की समस्या से दूर करने के लिए भोजन में फास्फोरस के स्तर को बढ़ाना चाहिए। मछली, साबुत अनाज और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध और पनीर में फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आइए अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए फास्फोरस से भरपूर और भी खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं। कद्दू के बीज फास्फोरस से भरपूर होते हैं। भूख लगने की स्थिति में कद्दू के बीज बेहतरीन टाइम पास हैं। आपको रोजाना 100 ग्राम लौकी के बीज जरूर खाने चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि 100 ग्राम कद्दू के बीज में 100 मिलीग्राम फास्फोरस होता है, जो न सिर्फ आपकी भूख मिटाता है बल्कि आपकी हड्डियों की सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। तो क्यों ना हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कल से ही आहार में कद्दू के बीजों को शामिल किया जाए। व्हीट ब्रेड भी फास्फोरस से भरपूर होती है। अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो व्हीट ब्रेड को अपने आहार में जरूर शामिल करें। गेहूं से बने ब्रेड की एक स्लाइस में 57 मिलीग्राम फास्फोरस मौजूद होता है। जी हाँ, यदि आप फास्फोरस की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो व्हीट ब्रेड को अपने आहार में जरूर शामिल करें। अगर आप मांसाहारी हैं तो आप अपने आहार में मछली भी शामिल कर सकते हैं। मछली में फास्फोरस के साथ साथ भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। असल में 75 ग्राम मछली से प्रतिदिन एक तिहाई फास्फोरस की जरूरत को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि 75 ग्राम मछली के जरिए 238 ग्राम फास्फोरस हासिल होता है। जिन लोगों को लौकी के बीज पसंद नहीं है वो बादाम का सेवन भी कर सकते हैं। बादाम भी फास्फोरस का बेहतरीन स्रोत है। बादाम के सेवन से आप अपने ब्रेन के साथ साथ हड्डियों को भी मजबूत बना सकते हैं। यदि आप शाकाहारी हैं तो बीन्स को अपने आहार में जरूर शामिल करें, क्योंकि बीन्स फास्फोरस का बहुत अच्छा स्रोत है। विशेषज्ञों के मुताबिक एक कटोरी के 3/4 फलियों से 204 ग्राम फास्फोरस हासिल कर सकते हैं। तो आज से ही अपनी डाइट में बीन्स शामिल करें। तो दोस्तों, इन सारी बातों का जरूर ध्यान रखें। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।